नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार को जगाने के लिए व्यापारियों ने बजाई थाली, छात्रा से छेड़खानी, तेज धूप के बीच आज हो सकती है बूंदाबांदी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सरकार को जगाने के लिए व्यापारियों ने बजाई थाली। गुरुवार को नागपुर के सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापारियों ने थाली बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान शहर के व्यापारियों ने जमकर सरकार के आदेश के खिलाफ नारेबाजी भी की। व्यापारियों ने मांग की है कि व्यापार करने की अनुमति दी जाए। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की शीघ्र संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका मकसद लॉकडाउन से आर्थिक संकट में आए व्यापारियों की व्यवस्था से राज्य सरकार को अवगत करना था। शहर के गांजा खेत, सरापा बाजार, शहीद चौक, लोहा ओली मार्केट, जनरल मर्चेंट मार्केट, भंडारा रोड, तीन नल चौक, होलसेल मार्केट, गीतांजलि चौक, सीताबर्डी, लक्ष्मी भवन चौक आदि स्थानों पर व्यापारियों ने अपनी बंद पड़ी दुकानों के सामने थाली बजाओ महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के प्रति तीव्र विरोध किया। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुधवार को ऑनलाइन जूम मीटिंग ली गई थी। इसमें चेंबर से जुड़े सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी से चेंबर अध्यक्ष अश्विन मेहुड़िया ने कहा था कि गत एक वर्ष से सभी केंद्र सरकार कभी राज्य सरकार तो कभी स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से व्यापारी अत्यधिक आर्थिक परेशानियों से घिर गया है, किंतु आर्थिक परेशानी एवं कर्ज को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई है। इस सभा में व्यापारी संगठनों ने सर्वसम्मति से यह तय किया था कि सरकार लॉकडाउन में शिथिलता दे, इसके लिए सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के सामने काले फीते बांधकर तथा थाली बजाकर सरकार का ध्यान अपनी मांग के प्रति आकर्षित करेंगे। व्यापारी वर्ग ने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए बैंकों से कर्ज भी लिया है, इसका व्याज पर व्याज बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन में सरकार द्वारा व्यापारियों को व्यापार बंद कर घर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बढ़ता हुआ कोविड संक्रमण सभी की चिंता का विषय है। ऐसे में वर्तमान में जितना जरूरी कोविड से बचना है उतना ही जरूरी जीने के लिए व्यापार करना भी है। व्यापारी एकता, ये थाली बजाओ आंदोलन आज इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार व्यापारियों के प्रति नींद में है और उठे सुटे लॉकडाउन कर देती है, उनको जगाने के लिए हमने ये थाली आंदोलन आज करा है। आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से, मीडिया के सारे भाइयों के तरफ से ये मैसेज हमारा उन तक पहुँचा दीजिए कि आपने 2 दिन का समय मांगा है, 2 दिन का समय में आप पूरा करके एक पॉजिटिव डिसीजन दीजिए और हमारी दुकानें खोलिए, यही आपसे हमारी अपेक्षा है। आज नागपुर शहर का सारा व्यापारी सड़क पे आ चुका है। आज स्थिति वत से बदतर की पोजीशन पे है। व्यापारी अभी एक भी दिन रुक नहीं सकता। हमारी शासन प्रशासन और हमारे माननीय सीएम से ये निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी इस आपत्ति में कुछ सोचे और उसका उसके ऊपर कुछ हमारे को रिलीफ दे। और हमारा उनसे एक और आग्रह है कि हमें जो रिलीफ मिलना चाहिए वो हम सब व्यापारीगण को माननीय रहना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम के लिए रिलीफ दे दे। छात्रा से छेड़खानी। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की गई है। कपिल नगर पुलिस ने आरोपी आदित्य राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 16 वर्षीय नाबालिग 11वीं की छात्रा है। उसकी एक साल पहले आदित्य से इंस्टाग्राम पर पहचान हुई थी। कुछ समय बाद छात्रा को आदित्य के बर्ताव पर संदेह हुआ। उसने आदित्य से चैटिंग करना बंद कर दिया। इससे आदित्य नाराज हो गया। उसने छात्रा की बहन के नाम पर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर छात्रा का फोटो अपलोड करके आपत्तिजनक मैसेज किए। इंस्टाग्रामवरती गेल्या वर्षी तिने अकाउंट सुरू केलं होतं। त्या अकाउंटच्या माध्यमातून तिला एक गेल्या वर्षीच दुसऱ्या एका मुलाचा अकाउंट फ्रेंड रिक्वेस्ट आल्यानंतर तिने ते फॉलो केली होती। तेव्हापासून ते एकमेकाचे मित्र ऑनलाईन होते, एकमेकाला परिचित नाहीत, परंतु ऑनलाईन फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारल्यानंतर त्यांची ओळख झाली होती। ते ऑनलाईन चॅटिंग करत होते, एकमेकांशी गप्पा गोष्टी करत होते। त्या दरम्यान मुलीला त्याचं वागणं ऑब्जेक्शनेबल वाटल्यामुळे तिने त्याच्याशी चॅटिंग करणं बंद केलं होतं। त्याचा राग मनात घेऊन त्या मुलाने नंतर तिला वेगवेगळे फेक अकाउंट तिच्या नावाने बनवून तिला त्रास द्यायला सुरुवात केला। त्याच्यानंतर त्याने तेच फेसबुक, त्यानंतरही मुलगी त्याला रिस्पॉन्स देत नाही असं बघता, त्यानंतर त्या मुलीच्या फेक अकाउंटवरून मुलीच्या मैत्रिणी तसेच मुलीचे कुटुंबीय यांचे फोटो टाकून त्याच्यामध्ये अश्लील मजकूर प्रसारित करायला सुरुवात केली। याच्यामुळे मुलीने येऊन तक्रार दिलेली आहे। त्यासोबत तिच्या मैत्रिणींनासुद्धा, ज्या मैत्रिणी तिच्या फ्रेंड लिस्टमध्ये आहेत, त्यांना त्रास दिलेला आहे।
त्याही पोलिटिशियन आले होते, त्यांची तक्रार घेतलेली आपण गुन्हा दाखल केला. इंस्टाग्राम अकाउंटवरून हा सर्व प्रकार घडत आहे. संबंधित सायबर ब्रँचकडून त्या अकाउंटची माहिती काढून आम्ही पुढील तपास करत आहोत. याच्या अनुषंगाने आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपल्या लहान मुलांना सध्या ऑनलाईन क्लासेस मोबाईलद्वारे आपण चालवत आहोत. त्याच्यानंतर मुलं ह्या मोबाईलमध्ये इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर वगैरे असा अकाउंट सोशल मीडिया वापरत आहेत. आपली लहान मुलं अशा प्रकारचा सोशल मीडिया अकाउंट वापरत असताना त्यांच्यावर आपलं लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने त्यांना कोणीही त्रास देऊ शकतं, लैंगिक सतावणूक करू शकतं, छळवणूक करू शकतं. आपल्या मुलाने कोणत्या मुलीने कोणत्या अकाउंट ओपन केलेलं आहे, ते कोणत्या साईटवर जात आहे, याची काळजी आपण लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. नाहीतर अशा प्रकारचे प्रसंग घडून पुन्हा नाहक. तीसरी और तेज धूप के बीच आज हो सकती है बूंदाबांदी. तेजी से तापमान बढ़ने की वजह से नागपुर सहित विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में रहने वाले लोग फिलहाल तेज धूप व गर्मी से परेशान हैं. बुधवार की ही तरह गुरुवार को भी लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ा. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 9 अप्रैल को हवा की दिशा बदलते ही नागपुर सहित विदर्भ के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तर पश्चिम हवा चल रही है. बुधवार व गुरुवार को सूर्य की तपन व गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. विदर्भ के अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, बुलढाणा व यवतमाल जिले में कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चल सकती है. गुरुवार रात से हवा का रुख बदलने की संभावना है. हवा का रुख पूर्वी हो सकता है. नागपुर सहित विदर्भ के चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गढ़चिरौली, गोंदिया व यवतमाल में तेज हवा व बूंदाबांदी हो सकती है. 9 व 10 अप्रैल को गर्मी से राहत मिल सकती है. अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं. प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें. साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं. लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले. अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर. धन्यवाद.